आपने कहा हुआ कि आप अब दुनिया में आपके पासपोर्ट की बड़ी कदर हो जाएगी। बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा बर्तानिया का वीजा ठग से लग जाएगा, आपको भूटान में वीजा देने को तैयार नहीं, आपकी हालत ये हो चुकी है। आप कंपेयर करें एजुकेशन वीजा इंडिया के साथ, चेक करें अपने वीजा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है, वहां पर वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं। हेलो एवरीवन, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हाल हो चुका है कि भूटान तक भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर वीजा लगाने से इनकार कर रहा है। यह है आजकल पाकिस्तान और पाकिस्तानी पासपोर्ट की औकात। कहीं पाकिस्तान की फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी जाती है और कहीं पाकिस्तानी पासपोर्ट को देखते ही वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट बातें बड़ी बड़ी करती है लेकिन उनको अपना ये हाल नज़र नहीं आता। एक्चुअली ये हाल पाकिस्तान का उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हो गया है। चीन के अलावा पाकिस्तान का कोई साथ नहीं देता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते कब तक चीन पाकिस्तान का साथ देगा। पाकिस्तान हमेशा अपना कंपैरिजन भारत से करने की कोशिश करता है लेकिन उसको भी पता है कि ये कंपैरिजन कहीं ठहरता ही नहीं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने इस बारे में और क्या कहा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं कई वजीर पीटीआई के अपने हलकों में नहीं जा सकते, इसलिए लोग रोक लेते हैं। मसला कि आप मैं नाम गिनवाना शुरू करते बड़ी लंबी फहरिस्त बन जाएगी। एक और थ्योरी मैं आपसे गुजारिश करूं आपसे, उसकी वजह यह है कि आपने बड़े दावे किए हुए हैं। आपने तो चावल की काश्त करने वाले अंग्रेज बुलाने के दावे किए हुए हैं। आपके पासपोर्ट की इज्जत होगी, चाइना में आए हुए सुने चाइनीज आए हुए। मेरी गुजारिश सुने ना, आपने कहा हुआ कि आप दुनिया में आपके पासपोर्ट की बड़ी कदर हो जाएगी। बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा बर्तानिया का वीजा ठग से लग जाएगा, आपको भूटान में वीजा देने को तैयार नहीं, आपकी हालत ये हो चुकी है। गुजारिश ये है कि जब तक आपकी तरजीहात आपकी आपकी गवर्नेंस पासपोर्ट नहीं 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 पाकिस्तान इज वन ऑफ द थ्री मेजर फेवरेट कंट्रीज में है ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग के लिए सर सुने ये तो पाकिस्तान इंटरनेशनल नहीं, ये रेटिंग जो आती है मैं गुजारिश करूं आपके तालिबे इल्मों के कनाडा की वीजा कम हो गया। मौलवी साहब ये तो आप कंपेयर करें, आप कंपेयर करें एजुकेशन वीजा इंडिया के साथ, चेक करें अपने वीजा चेक करें, आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। देखिए कुछ है आपकी वो फलान डाटा आ गया, फलान हमें उस लिस्ट से निकाल दिया। ग्राउंड पे आप देखें हो क्या रहा है, आप बताएं मुझे। महंगाई पे लगे महंगाई तो नहीं है, खान साहब से पूछ रहे, किसी से पूछ रहे वजीर से, और ये सब भी कहेंगे महंगाई नहीं। मतलब कितने गुजारिश ये जुलूसों की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल पे मैसेज आ चुका है। ये जो हाइब्रिड वार हम कहते हैं ना, जिससे हम डर रहे हैं, जिससे सब डर रहे हैं हाइब्रिड वार से, ये उनको पता है कि अब लोग कितना रिएक्शन शो करते हैं। मैंने आपसे कहा ना ये आप कैमरा उठाइए, शो को छोड़िए, रोड पे चले जाइए, किसी के आगे माइक करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आपको जवाब मिल जाएगा। लोगों के साथ बैठा करते थे तो लोगों का कैथारसिस यहाँ पे होता है, इस पे देखें जरा मोबाइल खोल। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आलमी इदारे अभी भी खामोश रहेंगे या थोड़ी हरकत होती हुई हमें नजर आई। बैनुल अक्वामी सतह पर मुझे वाकई कोई तवक्को नहीं है, बल्कि मैं इसमें एक इजाफा ये करना चाहूंगी कि आप देख लें कि यूएई से जो पाकिस्तान की फ्लाइट्स हैं कोरोना के केसेस बढ़ने की वजह से वो रोक दी गई हैं, लेकिन इंडिया से कोई फ्लाइट नहीं रोकी गई है, वहां पर वहां की फ्लाइट्स चल रही हैं, जबकि वहां पर तकरीबन कोई 90 लाख इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं और हमसे बहुत बहुत बदतर सूरत हाल है, लेकिन फिर भी इस किस्म की कोई फ्लाइट सस्पेंशन नहीं। और ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मुतद्दद मिसालें आपको मिलेंगी, सिर्फ इसलिए कि वो एक बहुत बड़ी मंडी है, वहां की आबादी बहुत ज्यादा है और वहां बड़े फाइनेंशियल इंटरेस्ट लोगों के आके जुड़ जाते हैं, जिसके बाद फिर काफी ममालिक फिर चुप्पी साध लेते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की भी एक मिसाल, दुकानों के नाम नहीं रखे जाते, वो जो कराची की के नाम पर उन्होंने दुकान का नाम रखा था, आप देख लें उस बेचारे का क्या हाल हुआ। जबकि बॉम्बे स्वीट्स की मैं मिसाल देना चाहती हूँ, बॉम्बे स्वीट 100 साल से पुरानी, 100 साल से जायद एक बहुत मशहूर मारूफ बेकरी है जो कि हैदराबाद में है, और कभी इस किस्म की अगर कोई बात भी की जाए तो आप देख लें कि पाकिस्तान में जो हमारे जी शहूर लोग हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, फौरी तौर पर इस किस्म की चीजें वापस की जाती हैं, लेकिन उनकी स्टेट इसमें कनाइवेंस में है और स्टेट लेवल पर ये बर्बरियत हो रही है जिसको स्पॉन्सर किया जा रहा है। साहब पाकिस्तान बहुत बार बात कर चुका है लेकिन मजाल है आलमी इदारों की तरफ से कोई भी स्टेप, कोई भी इनिशिएट हमारे सामने आया हो। मैं आपको वापस ले चलता हूँ मनमोहन की बहुत मोहनी मोहनी बातों से इंदिरा गांधी की तरफ, जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अपनी फौज भेजी पाकिस्तान के इलाके के अंदर, फिर 65 की जंग है, 48 की जंग है, तो ये एक कंटिन्यू अमल है हिंदुस्तान का एज ए स्टेट पॉलिसी।
कभी कभी वो मुज़ाकरात पे आ जाते हैं कंपोजिट डायलॉग पर, कभी उससे फरार अख्तियार कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम बात नहीं करेंगे, फिर हम बात करने के लिए जाते हैं वो कहते हैं नहीं हम फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते। ह्यूमन राइट्स की तरफ डेमोक्रेट्स बहुत ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, और अभी भी मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा बहुत होगा। और जहाँ तक आलमी तंजीमों का है, ये अपनी रिपोर्ट्स बनाती रहेंगी, आपको देती रहेंगी, हमें गुस्सा दिलाती रहेंगी, और ये बार थपकी मिलती रहेगी कि अभी न घबराओ, दस्तक हो रही है शहर की, शहर आने वाली है, शहर मुझे लगता नहीं आने वाली है, अंधेरा बहुत शदीद है। तो भारतीय माशरा अब इसमें इतना ज़्यादा जकड़ चुका है कि वो समझता है कि उनके इकट्ठे रहने का वाहिद तरीका अब ये रह गया है कि वो इसी आइडियोलॉजी पे चलें, अगर इस आइडियोलॉजी से हटे तो वो तकसीम हो जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने लिखा कि ये निज़ाम जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकता और इसके अंदर जो है वो जल्द या बदेर जो हैं वो क्रैक्स आएंगे। और ये जो उनकी इंतहा पसंदी है ये अब इस लेवल पे नहीं रहेगी कि ये बीजेपी के लेवल पे रह गई या ठीक है उधर कोई इंडिविजुअल वॉइसेस वो निकल रही हैं, लेकिन ये सरकारी सतह पर प्राइवेट सतह पर हर जगह वो सरायत कर गई है। और ये इनका जो नैरेटिव है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंतहा पसंदाना किस्म का है कि उनके जो ऐसे सहाफ़ी जो बड़े ही बैलेंस्ड किस्म के सहाफ़ी समझे जाते थे वो अभी जो लास्ट एपिसोड हुआ जिसमें पाकिस्तान में एडवेंचर करने की कोशिश की उन्होंने बालाकोट में, उसके ऊपर उन्होंने इतनी मुतस्सब किस्म की और जहरीले किस्म के बयान दिए, तो वो भी इस ये जो बयानियाँ नरेंद्र मोदी ने बनाया वो उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सके। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि आलमी इदारे इस पर नोटिस लेंगे कि नहीं लेंगे, अगर आपका इशारा है कि अक्वामे मुत्तहिदा इसके ऊपर नोटिस लेगी तो बिल्कुल नोटिस नहीं लेगी। ज़ाहिर है अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के जो स्टेक होल्डर हैं वो कौन है, अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, रूस, इनके साथ तो ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। एक चीन है वो अपनी तरफ से इसके ऊपर आवाज़ उठाता रहेगा, लेकिन चीन के अंदर अपनी भी कोई इंसानी हकूक़ की कोई हालात जो हैं कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इस वजह से उसकी भी आवाज़ में जो है वो इतना असर नहीं होगा। तीसरा ये कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब अमरीका में ओबामा सदर थे तो उससे पहले ट्रैवल बैन था नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका में जाने के लिए, तो ये तो ट्रैवल बैन जब नरेंद्र मोदी मुंतखब हुए तो ओबामा के दौर में ही खुला था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो जो हमने बात की कि एक बड़ी मंडी है और मफादात जुड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से ये जो कुछ मर्जी वहाँ पे होता रहे कम से कम आलमी इदारों की जानिब से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जाएगा कि उनकी कोई पॉलिसियाँ तब्दील हों। हम बात करते हैं गाँव में भी जो जोरावर बंदा होता है चौधरी उस पर हाथ नहीं डालता, तो बदकिस्मती से इंडिया चूंकि एक बड़ा मुल्क है और फिर यह कि आईटी पावर है एक उसकी वजह से बहुत सारे ममालिक इंटरेस्ट जो हैं उससे वाबस्ता हैं, तो चश्मपोशी इख्तियार किए हुए थे। बड़ा अच्छा हुआ ये रिपोर्ट सामने आई